गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे घर कुछ दिनों से इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी मीन्स कि किरण दीदी आई हुई है और वो शिफ्ट हो रही है लखनऊ में। सो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि दीदी के साथ के लिए मैं बहुत दिन से विश कर रही थी काश दीदी आ जाती, लेकिन सच में दीदी आ गई है। और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ दीदी भी उसी सोसाइटी में रहती है। अभी शिफ्टिंग चल रही है और गाइस शिफ्टिंग बहुत 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 ज़्यादा टफ होती है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे शिफ्टिंग शिफ्ट होते हुए किसी को, और बहुत मेहनत लगती है एक जगह से दूसरे जगह और अपने सारे सामान के साथ बहुत ही मुश्किल होता है। सो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, ब्रेकफास्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, एंड देन अब हम लोग को करना है डिनर। सो अभी मैं जा रही हूँ भैया और दीदी को बुलाने जिस टावर में वो रहते हैं, और इंजॉय करिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का पूरा ब्लॉग, आपको दीदी भैया और मैं। और मैं अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड गए हैं हॉस्पिटल पेशेंट को देखने, तो वो आपको ब्लॉग में नहीं देखेंगे, बट जब वो आएंगे तो मैं उनसे आप लोग को ज़रूर मिलवाऊंगी। तब तक के लिए चलिए देखते हैं दीदी और भैया को बुलाने। सो गाइस चलिए हम लोग चल के मिल के आते हैं कि अभी कितना काम हुआ है, कितना बचा हुआ है। सो मैं मिलती हूँ उनके घर पर, तो वो अभी भी काम चल रहा है और चलते हैं बुलाते हैं उनको घर। ये देखिए शिफ्टिंग चल रही है और सारे सामान जो है बहुत ही ज़्यादा बल्क में आए थे और बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है शिफ्टिंग। सो चलिए मैं किरण दी से मिलवाती हूँ। दीदी ये देखो, किरण दी को तो सब लोग जानते हैं, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी। नहीं कोई नहीं, आप गंदी दिखते ही नहीं हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो। तो चलिए ये है हमारी प्यारी सी अनिका। अनिका से हाय, मिस अनिका ने मेरे लिए बेबी। तो लंच टाइम हो गया है और दीदी अभी लगी हुई है काम में, तो दीदी चलो लंच करते हैं, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग को बोली थी बंदी। हाँ बहुत एक्साइटेड, क्योंकि भाभी ने बोला मैं ऐसा 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 करके बनाने वाली, तो वो सुनकर ही मुझे एक्साइटमेंट हो गई। तो मिस अनिका भूख लगी है, तो चलो लंच करते हैं। तो ये है पूजा, दीदी के हेल्पर है, तो चलिए आगे चलते भैया को देखते भैया फ्री हुए कि नहीं। सो ये सारा देख ही रहे हैं आप कैसा है माहौल घर का। अब चलते हैं भैया को देखते भैया क्या कर रहे हैं। ये है दीदी का सेकंड रूम, ये यहाँ है भैया। चले भैया लंच के लिए, बहुत बहुत मेहनत का काम है शिफ्टिंग। चल बेबी हाँ क्या मतलब हाँ हाँ आपने भी क्या बेटू। सो गाइज आपने सबसे मिल लिया और हम सब जा रहे हैं अब लंच के लिए। लंच करते हैं। सो किरण दी स्टार्ट कर दी है लंच करना, तो पूछते हैं कि कैसा लगा उसको। आलू की सब्जी बहुत अच्छी है, लैसी वाली एकदम पूरी के साथ खाने वाली, बहुत टेस्टी चटपटी सी। सो किरण दी को तो बहुत स्वाद है। थैंक यू। जिस दिन से हम लोग आए ना गाइज, उस दिन से भाभी जो भी बना रही है, जो भी, कल रात को उन्होंने तहरी बनाई थी, कल दोपहर में उन्होंने आलू गोभी बनाई थी और एक मसूर की दाल बनाई थी, सब में भर भर कर स्वाद। और ऐसा नहीं कि बहुत मसाला रहता है, बहुत स्वाद ही अलग है इनके हाथ से। तो अनिका शुरू तो करो। बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, भैया अभी आए नहीं तो किरण दीदी ने तो फीडबैक दे दिया है, तो होपफुली भैया भी कुछ ऐसा ही बोलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लंच के बाद मिलूंगी। ये है रियलिटी है, रियलिटी नहीं है। हाँ मजदूरी कर रहे हैं ना, तो अभी लेबर है। लेबर क्लास से जब आएंगे इंजीनियर क्लास में तब अच्छा लगेगा। भैया जल्दी से टेस्ट करके बता दीजिए।
किस चीज की सब्जी है? आलू, आलू टमाटर। वो तो खाए तो वही वाली। नहीं 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 वैसे नहीं बनाया, बहुत अलग बनाई। सेम स्वाद है क्या? अच्छा, तो भैया ने फीडबैक दे दिया, इसका मतलब है कि सब्जी अच्छी बनी है। सो चलिए मैं लंच के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, लंच कंप्लीट हो चुका है और भैया और भाभी फिर से काम पे लग चुके हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊँ और उनकी हेल्प कराऊँ। सो मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मीन्स कि ओपन करने वाला। सो मैं उसको जाके कंप्लीट करवा देती हूँ, थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोड तो नहीं कम कर सकती, लेकिन थोड़ा सा करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ। और आप तो यहाँ पर देखिए भाभी कर क्या रही है, हमेशा की तरह अनबॉक्सिंग। सो ये पूरा जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी भाभी की कमाल है। क्योंकि मैं बताऊँ, भाभी अगर नहीं होती ना तो मेरे को पता है कि कम से कम 2-3 दिन बहुत और लग जाते हैं, पर भाभी की वजह से आसान हो गया। सो काफ़ी मेहनत के साथ पिछले 1 घंटे में भाभी ने इतनी सारी चीज़ें खोली और अभी भी इतनी बाकी है। अब मेरे को अनबॉक्सिंग बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैं साड़ियों की जगह अनबॉक्सिंग बहुत करते हो। और अभी होम डेकोर का है, दीदी का सामान कुछ ड्राइंग रूम में सजाना है, तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को मैं ही अनबॉक्सिंग करूँ। सो क्यूट, कितने क्यूटली भाभी बताती है सब कुछ। ये खुजली होता है, इसे खुजाने का काम किया जाता है। अबे भी खुजा के दिखाओ, ये इस तरह। वाह वाह, क्या काम कर रहा है, वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया। सो जाओ दीदी, सो जाओ। लो आप, हाँ लो लो, ठीक है, जैसा जहाँ आपको अच्छा लग रहा है लगवा दो, आपका मेरा क्या है। तो दी गई सोने, लेकिन वो सोएगी नहीं, वो वापस आएगी। वाह, अनिका 1, 2, 2, 3 सोना दीदी के उसमें नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। सो गाइज, रात का डिनर हो गया है और रात के डिनर में हम लोगों ने क्या खाया वो किरण भी बताएगी। फिश करी कैसी बनी दीदी? इतनी बढ़िया थी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी कैमरा पर करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं ऑलरेडी मतलब खाकर उंगलियाँ चाट चुकी हूँ। तो दी को तो अच्छा लगा और था भी अच्छा, भैया ने भी बताया। सो अब हम लोग का आज का जो ब्लॉग है, अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक बहुत ढेर सारा करिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।